फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखा रही हूँ मूंग की दाल की बड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। चलो तो फिर बनाना शुरू करते हैं सब। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल, मैं इसमें 3 परी सरसों का तेल डालूँगी। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब्ज़ी थोड़ा और अच्छा पड़ता है, सब्ज़ी में तो टेस्टी बनती है। ये है मेरी मूंग की दाल के बड़े जो मैंने बनाए थे। इनको मैंने पहले पानी में भिगो कर, गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में भिगो कर फुला लिया था और फिर मैंने इसका पानी दबाकर बड़ों का पानी निकाल दिया है। अब ये इस तरह के हो गए हैं और मैंने ये मसाला पीस लिया है। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, 1 प्याज की गांठ, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च स्वाद अनुसार और नमक डाल दिया है मैंने इसमें। आप भी अपने स्वाद अनुसार ही यूज कीजिए। जैसा आप कम खाते हैं मसाला या तेज़ मसाला खाते हैं, ज़्यादा मसाला खाते हैं, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, हींग, 1 पिंच हींग और इसमें डाल देंगे हम अपना पिसा हुआ मसाला प्याज। और इस मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे आराम से फ्राई करेंगे। आप मसाले को जितने लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो अभी हमारा मसाला भुन रहा है फ्रेंड्स। ये सब्ज़ी 10 मिनट में तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। देखिए मसाला भुन रहा है। ये मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ ये मूंग की दाल के बड़े हैं। आप उड़द की दाल के बड़े के लिए इस तरह से सब्ज़ी बना सकते हैं। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। देखिए अब इसमें हम अपने बड़े डाल देंगे। ये मैंने पहले गर्म पानी में भिगो के फुला लिए थे, 2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगा लिया था। अब अच्छे से इसे फ्राई कर लें। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी थोड़ा सा और डालते हैं क्योंकि ये पड़ी इसमें पानी फूल जाएगा तो पानी कम रह जाएगा इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल ही आने लगा है। 4-5 उबाल आने तक हम इसको सब्जी को खौला लेंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी फटाफट तैयार हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, देखो मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसमें से थोड़ा डालूंगी गर्म मसाला। कम या ज़्यादा गर्म मसाला आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए वो ये सब्ज़ी खाने बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें हरे धनिया से इसे गार्निश करूंगी अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी तैयार है हुई है सब्जी, बड़े की सब्जी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने मेरी वीडियो देखी तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।